अभी हम लोग एक ऐसा सी प्रोग्राम करने वाले हैं जहां पे हमारे पास चार नंबर होंगे और उन चार नंबर में से हम लोगों को वो नंबर फाइंड आउट करना है जो बिगर है। तो ये काफी सिंपल है। अभी हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मैं लिखूंगी इंट मेन। जैसे ही हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी इंटीजर टाइप का डेटा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी इंट नम वन कॉमा नम टू कॉमा नम थ्री कॉमा नम फोर। तो यहाँ पे हम लोगों ने चार नंबर लिए हैं, नम वन नंबर वन के लिए, नम टू नंबर टू के लिए, ऐसे ही थ्री और फोर के लिए हमने नंबर थ्री एंड फोर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बी वन लेंगे बिगर नंबर के लिए और बी टू लेंगे बिगर नंबर टू के लिए। और देन हम लोग इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमी कोलन से। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर के लिए वेरिएबल्स बनाए हैं और उसके बाद बी वन और बी टू यहाँ पे बिगर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हम लोगों को अब यूजर इनपुट लेना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी। मैं यहाँ पे मैसेज एंटर करूंगी, एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन। उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे सेमी कोलन से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी स्कैन एफ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी परसेंट डी क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर टाइप का डेटा यूज किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी एड्रेस ऑफ नम वन। और उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमी कोलन से। अभी हम लोगों ने यहाँ पे नंबर वन के लिए यूजर इनपुट तो ले लिया है, तो जस्ट मैं क्या करूंगी इसे कॉपी करूंगी और यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट कर दूंगी। तो ये नम टू के लिए, नम थ्री के लिए एंड ये नम फोर के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं कुछ चेंजेस करूंगी। मैं यहाँ पे कर दूंगी नम टू, यहाँ पे कर दूंगी नम थ्री, यहाँ पे हम लोग कर देंगे नम फोर और यहाँ पे भी अंदर भी हम लोग चेंजेस कर देंगे नम टू नम थ्री एंड नम फोर। अब हम लोगों ने यहाँ पे नम वन नम टू नम थ्री एंड नम फोर के लिए यूजर इनपुट ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे बी वन फाइंड आउट करेंगे। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर वन और नंबर टू को कंपेयर करेंगे। हम लोग ये चेक करेंगे क्या नंबर वन नंबर टू से बड़ा है। अगर है तो हम लोग यहाँ पे नम वन को स्टोर करवाएंगे बी वन में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी वन इज इक्वल टू नम वन ग्रेटर देन नम टू। अगर ऐसा है तो हम लोग बी वन में स्टोर करवाएंगे नंबर वन को, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बी वन में स्टोर करवाएंगे नंबर टू को। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमी कोलन से। वैसे ही हम लोग यहाँ पे बी टू को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी टू इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे नंबर थ्री और नंबर फोर का कंपेरिजन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर थ्री इज ग्रेटर देन नंबर फोर। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे नंबर थ्री को बी टू में। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे बी टू में नंबर फोर को और इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे सेमी कोलन से। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूजर इनपुट लिया और यहाँ पे हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे नंबर का कंपेरिजन किया। पहले हम लोगों ने दो नंबर का कंपेरिजन किया, उसमें से जो नंबर बड़ा होगा उसे हम लोग बी वन में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नंबर थ्री और नंबर फोर का कंपेरिजन किया, उसमें से जो नंबर बड़ा होगा उसे हम लोग स्टोर करेंगे बी टू में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे एंड देन यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी बी वन इज नॉट इक्वल टू बी टू। अब जो बी वन है हमारा वो बी टू के इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग अंदर आएंगे। उसके बाद हम लोग अंदर और एक कंडीशन लगाएंगे, बी वन इज ग्रेटर देन बी टू। अगर बी वन ग्रेटर देन बी टू है, अगर बी वन बड़ा है तो हम लोग नीचे आके प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट एफ स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगी बी वन इज ग्रेटर। यहाँ पे मैं लिखूंगी परसेंट डी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा यूज किया है और उसके बाद हमें यहाँ पे बिगर नंबर को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी वन और यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमी कोलन से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लोग एल्स लिखेंगे इसके अंदर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे बी टू को। अगर बी वन और बी टू में से बी वन ग्रेटर हुआ तो हम लोग बी वन को प्रिंट करवाएंगे, अगर बी टू ग्रेटर हुआ तो हम लोग बी टू को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी और अंदर मैं यहाँ पे मैसेज कर दूंगी बी टू इज
ग्रेटर, तो यहाँ पे हम लोग फिर से परसेंट डी का यूज करेंगे एंड देन मुझे यहाँ पे बी टू को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे बी टू लिखूंगी एंड देन हम लोग एंड में यहाँ पे स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इसके बाहर आएंगे और इस इफ का एल्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसके बाद अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे बोथ आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी प्रिंट एफ स्टेटमेंट का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बोथ आर इक्वल और बाद में स्टेटमेंट को एंड करेंगे हम लोग सेमी कोलन से और जस्ट हम लोग बाहर आके अब लिख देंगे रिटर्न जीरो। तो अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी जस्ट हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जस्ट मैं इसे सबसे पहले सेव करती हूँ और F9 प्रेस करके मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ num1, तो मैं num1 के लिए एंटर करती हूँ 4। उसके बाद मुझे एक मैसेज आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ num2, num2 के लिए मैं एंटर करती हूँ 6 एंड देन अगेन यहाँ पे हमें वैल्यू मांग रहा है num3 के लिए, तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 8 एंड num4 के लिए मैं एंटर करती हूँ 10। तो यहाँ पे हमें आंसर आ चुका है हमारा, जो b2 है वो ग्रेटर है, दैट मीन्स जो num4 है वो ग्रेटर है। तो इस तरह आप लोग इजीली किसी भी 4 नंबर में से बिगर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं।